बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसी कहावत को यूपी में मौजूद कर रहे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने ना तो अपनी पार्टी का एक भी कैंडिडेट उतारा है और ना ही वो खुद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तो फिर क्यों ओवैसी साहब उन पार्टियों को कोस रहे हैं जो बीजेपी से डटकर मुकाबला कर रही है, जबकि ओवैसी अपनी हर स्पीच में मुसलमानों का दम भरते रहते हैं, खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन खिलाफ भी उन्हीं के हैं जो पार्टियां मुसलमानों के हक की बात करती हैं। अब ओवैसी साहब के गरियाने की वजह भी जान लीजिए। जनाब पहुंचे थे संगम नगरी प्रयागराज, वहां किसी पत्रकार ने तंज भरा सवाल पूछ लिया कि आपको तो वोट कवटा बोला जा रहा है। ये सुनते ही AIMIM चीफ का माथा ठनक गया। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अखिलेश, राहुल, मायावती की पार्टियों को अच्छे से सुना दिया। क्या कहा उन्हीं की जुबानी सुनिए। आरोप तो लगते रहते हैं ना राजनीति में, सियासत में कोई नई बात तो नहीं है। अब वोट काट, जहां तो वोट काटने की बात है, तो अब जो लोग 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में बीजेपी को रोक नहीं पाए, और फिर अगर हम पे उंगली उठा रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए, उनको खुद समझना चाहिए कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, बुखलाहट में आ चुके हैं। AIMIM चीफ कह रहे हैं जो लोग 2014 से लेकर 2022 तक बीजेपी को रोक नहीं पाए वो उन पर उंगली उठा रहे हैं। खैर, राजनीति से आरोपों का जवाब देने में नेता देर नहीं करते, इसलिए ओवैसी ने भी बिना देरी किए ऐसा पलटवार किया कि इंडिया समेत समूचे विपक्ष पर भी सवाल दाग दिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी ने पल्लवी पटेल की पार्टी से गठबंधन किया है, लेकिन अब तक उन्होंने एक भी लोकसभा सीट पर अपनी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। जितनी भी सीटों पर PDM के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, वो सभी अपना दल कमेरावादी के सिंबल पर हैं, जबकि गठबंधन के वक्त ये तय था कि एक दूसरे के प्रत्याशियों का दोनों नेता खुलकर सपोर्ट करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।